हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ कुल्लू यार। अभी मनाली में पहुँच गया हूँ, तो इसके बाद जाऊँगा अलेव से होटल में भाई को पिकअप करके उनको ले जाऊँगा कुल्लू। तो दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग बनाने का मेन रीज़न ये था कि यार मनाली में जो है कुल्लू और मनाली में नॉट कुल्लू मनाली में पूरे हिमाचल में जो है एडवेंचर एक्टिविटी जितनी भी होती थी वो सब फिलहाल बंद हो गई है यार। उनको बंद होके 4-5 दिन हो गए हैं, तो फिलहाल अभी कुछ मिस हैपनिंग हुई थी यार एडवेंचर एक्टिविटी के दौरान, तो अभी जो है सरकार के द्वारा वो पूरी तरह से बंद हो गई है। तो अभी टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा, 15-20 दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा वो अभी कुछ पता नहीं है। तो मैं कुल्लू जाऊंगा, मैं आपको दिखा दूंगा रास्ते में जितनी भी प्लेसेस होते थे पैराग्लाइडिंग या रिवर राफ्टिंग में कुल्लू के रास्ते में, तो वो जो है सब बंद है फिलहाल। तो मैं आपको कुल्लू में जाके दिखा दूंगा और आगे का अपडेट भी आपको बता दूंगा कि यार अभी कब तक खुलेगी वो, कब तक नहीं खुलेगी। फिलहाल जो है वो सब कुछ जो है बंद किया हुआ है। तो अभी चलते हैं कुल्लू, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ये आपका मेन मनाली आ गया। मौसम आज कुछ ख़राब है यार, आप देख सकते हैं थोड़े बादल आ गए हैं। आज पूरा मौसम ख़राब बताया हो तो फिर भी थोड़ी सी धूप तो है आज फिलहाल। तो अभी चलते हैं कुल्लू। यह रास्ता आपका सोलांग वैली के लिए गया ऊपर, और हम जाएंगे इधर। पहुंच गया था यार होटल में दोस्तों, ये भाई का होटल है। अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, फिर चलेंगे कुल्लू, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या होगा आज पूरे दिन भर। बर्फ़ अभी भी होटल के बाहर काफ़ी है यार, पहले के अकॉर्डिंग अभी पिघली नहीं है, पर फिलहाल आज सोलांग वैली भी खुला है। फ्रेंड्स, मैं अभी आया हूँ 14 मील में यार। कुल्लू से जाते वक्त ये रास्ते में ही पड़ता है ये विशाल भाई का कैफ़े, अपने गाँव से यह भाई जिनका ये कैफ़े है, बहुत बड़ा है। मैं आपको थोड़ा सा व्यू में दिखा देता हूँ। ये आपका कुल्लू मनाली हाईवे है, सिर्फ यही गिने चुने रेस्टोरेंट है, कैफ़े है यहाँ पे यार, जो रिवर साइड भी है। इनफ पार्किंग, ये पूरा एरिया है इनका, और रिवर साइड भी जा सकते हैं आप। थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाता हूँ। रिवर अभी कम है क्योंकि विंटर है, आपको पता है स्नो मेल्ट कम होती है तो पानी बहुत कम हो जाता है। जैसे गर्मी आएगी पानी यहाँ से बहुत ज़्यादा आ जाता है, बढ़ जाता है, कई बार यहाँ पे बंद भी कर देते हैं रिवर साइड जाना। तो फिलहाल भाई लोग अभी ब्रेकफास्ट लंच करेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे के लिए कुल्लू। तो खाना खा के यहाँ से निकलने ही वाले हैं। खाना जो है बहुत औसम था, सुपर क्वालिटी थी खाने में। अभी खाना खा के निकल रहे हैं फिर कुल्लू के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी आ गया था मैं कुल्लू यार। मैंने आपको बताया था कि बीच में कुल्लू और मनाली के रास्ते में जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटी होती है वो फिलहाल से बंद है। तो अभी मैं कुल्लू में आया हूँ, यहाँ पे वैष्णो टेम्पल में, वैष्णो टेम्पल से वो लोग विजिट करके हम लोग वापस जाएंगे ऊपर के लिए। और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये आपको कुल्लू का वैष्णो टेम्पल है, और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का एंड पॉइंट होता है यार। अदरवाइज अभी एक्टिविटी सब बंद है, इस करके आपको रिवर में एक भी बोट दिख नहीं रही, आपको सिर्फ लोग ही दिख रहे हैं जो रिवर साइड जाके वहाँ सिर्फ फोटो खींच के वापिस आ सकते हैं। पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा, ऐसा ही बोल सकते हैं यार, क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक जो है बोल रही है यार हमें एक्टिविटी करनी थी, पर वो अभी बिल्कुल बंद है। दोस्तों, इसके बाद मैं जाऊंगा वापस बवेली, जहां पे पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग होती थी। राफ्टिंग अभी हो नहीं रही आपको पता ही है, तो वहां पे नेचर पार्क भी है, तो हम लोग वहां पे नेचर पार्क में जाएंगे, वहां विज़िट करेंगे, फिर मैं आपको वहां जाके दिखाता हूं। फ्रेंड्स, कुल्लू से वापस आके मैं आ गया था वापस बवेली, जिस जगह का नाम बवेली है, यहाँ पर रिवर राफ्टिंग होती थी। पर फिलहाल जो है आपको बताया था मैंने, यहाँ पर उस करके एक्टिविटी बंद होने के करके
अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये मेरे पीछे पार्क भी है, यहीं से रिवर राफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है यार। ये यहाँ का नेचर पार्क है, आप यहाँ से अंदर जाके एंट्री लेके टिकट है 10-20 रुपए का टिकट है, उसके बाद अंदर जाके यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटी होती है अंदर। और ये जो एरिया है रिवर राफ्टिंग, ये पूरा एरिया रिवर राफ्टिंग का एरिया यार, पर अभी सब कुछ बंद है, कुछ भी नहीं है, ना कोई पैराग्लाइडिंग हो रही है, ना कोई एक्टिविटी हो रही है, तो करने के लिए फिलहाल कुछ नहीं। आप अंदर जा सकते हैं, नेचर पार्क है वहाँ पे, नेचर पार्क के अंदर, उसके बाद वहाँ पे आपके अंदर पैडल बोटलिंग है, फ़ोटो खींच सकते हैं, रिवर साइड जा सकते हैं, बस यही कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि एडवेंचर एक्टिविटीज़ सारी जो है बंद है। दोस्तों अभी शाम होने वाली है, पर ये वाला जो एरिया है ये पूरा पैराग्लाइडिंग का एरिया है, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे टॉप से यहाँ से पैराग्लाइडिंग होती थी, पर दोनों साइड काउंटर होते थे, लगे हुए होते थे पैराग्लाइडिंग के, पर अभी कुछ भी नहीं है, आपको बताया था यार, जो एक्टिविटी जो है कम्प्लीटली बंद है, अदरवाइज यहाँ पे आपको पैराग्लाइडिंग करने को मिल जाती थी यार। तो अभी चलते हैं वापस मनाली यार, शाम भी होने वाली है, पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा,